kissed me and blew away the clouds seems like they want to dance with me and they are everywhere the day is as beautiful as a dream it's like a dream come true a कौन सा सेंटेंस वो वाला था कौन से डिस्क्रिप्शन वो वाला था जो ज़्यादा एक्साइटिंग था जहाँ वाकई ऐसे लगा जैसे कि यू नो एवरी थिंग इज़ सो ब्यूटिफुल बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं उनकी सॉफ्टनेस क्लाउड्स सब फील हो गए तो ऑब्वियसली हम आज पढ़ने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि आपकी कोई भी जो आप लिखते हो आपकी राइटिंग आपके वर्ड्स को बहुत क्रिएटिव कर देता है उसको एक नया अंदाज दे देता है और उसके बाद जब आप कोई बुक्स पढ़ते हो पोम्स पढ़ते हो आप मूवीज़ देखते हो तो यही चीज़ें आपको अपील करती हैं द टॉपिक फॉर टुडे इज़ फिगर्स ऑफ स्पीच

अब अगर आपने इसके साथ एक डेनिम जैकेट डाल लिया या आपने शेड्स लगा लिए कुछ कूल से शेड्स लगा लिए या एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कैप पहन ली मे बी सम समर्स और सम लोफर्स और एनीथिंग लाइक दैट अब क्या हुआ अब आपको ज्यादा कूल लग रहे हो ठीक है तो जो बेसिक होते हैं वो हो गया पार्ट ऑफ स्पीच जब आपने इसको ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया उसे कहते हैं हम फिगर्स ऑफ स्पीच फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत सारे तरीके के होते हैं हर जगह अपने अपने तरीके के मतलब बहुत ही ज्यादा होते हैं लेकिन हम जो है कुछ इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ़ स्पीच को केटर करने वाले हैं ओनली फाइव जो कि जब भी आप कोई पोम पढ़ते हो उसमें पूछते हैं इसमें कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज की गई हैं उन सबको हम केटर करने वाले हैं ठीक है सो गाइस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फिगर्स ऑफ स्पीच सो सबसे पहले अ फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ वर्ड और फ्रेज यूजिंग फिगरेटिव लैंग्वेज फिगरेटिव लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जिसका कुछ अलग मीनिंग होता है जैसे कि वो नॉर्मल डेफिनेशन में है जैसे मैंने बोला द फ्लावर्स आर स्माइलिंग एट मी क्या फ्लावर्स स्माइल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं द डे इज एज ब्यूटिफुल एज अ ड्रीम क्या ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता मतलब जो वो कहना चाह रहे हैं उसमें एक हिडन मीनिंग होता है उनका लिटरल मीनिंग नहीं होता ठीक है अब हमें फिगर्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं भाई क्यों आखिर क्यों एनहानसिस द ब्यूटी ऑफ राइटिंग जब आप लिखते हो आपको मतलब आपका आपका ना इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है आप एक्चुअली इमेजिन करने लग जाते हो चीज़ों को तो इट एन्हांसेज द ब्यूटी ऑफ राइटिंग इट ब्रिंग्स ब्यूटी एम्फिस एंड क्लैरिटी टू द वर्ड्स मतलब आपको समझ में आता है एग्जैक्टली exactly ऑथर क्या बताना चाह रहा है किन फीलिंग्स के साथ बताना चाह रहा है फिगर्स ऑफ स्पीच

वो किस तरीके से चल रहा था तो ये सारी चीजें जब आप एक्सप्लेन करते हो तो क्या होता है चीजें इमेजिन करने में बहुत इजी हो जाता है रीडर का जो माइंड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से चलने लग जाता है जिसकी वजह से ही वुड वांट टू बाय योर बुक ही वुड वांट टू रीड व्हाट यू हैव रिटन ठीक है अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच अब मैं बता देती हूँ हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सिमिलीज मेटाफर्स उसके बाद हम पढ़ेंगे परसोनिफिकेशन फिर हम पढ़ेंगे अलिट्रेशन और लास्ट में हम पढ़ेंगे इडियम्स ठीक है ये पांच चीजें हम पढ़ने वाले हैं अब ये सारी की सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है बहुत मजा आने वाला है हमको करने में ठीक है सबसे पहला होता है सिमिलीज सिमिलीज क्या होता है अमली इज अ वेरी कॉमन फिगर ऑफ स्पीच दैट द वर्ड्स लाइक एंड एज टू कंपेयर टू अनलाइक थिंग्स दैट आर नॉट रिलेटेड बाई डेफिनेशन अब मैं इसको सिंपल तरीके से बताती हूँ मैंने बोला यू नो वॉट यू आर एज प्रिटी एज अ पिक्चर और योर चीक्स आर एज सॉफ्ट एज सिल्क और योर हेयर इज एज ब्लैक एज द स्काई अब अगर मैंने बोला योर चीक्स आर एज सॉफ्ट एज सिल्क मतलब क्या वो सिल्क है कपड़ा है वो नहीं है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ दो एकदम ही डिफरेंट चीजें चीक्स मतलब स्किन और सिल्क एक क्लोथ है तो यहाँ पे मैं दो एकदम डिफरेंट चीजों को कंपेयर कर रही हूँ लेकिन कंपेरिजन में मेरे पास एक चीज कॉमन है जो है सॉफ्टनेस स्मूथनेस ठीक है तो मैं ये दोनों चीजों को ऑन द बेसिस ऑफ वन पर्टिकुलर थिंग कंपेयर कर रही हूँ और कंपैरिजन के लिए मैं दो वर्ड्स यूज करती हूँ एक होता है एज और एक होता है लाइक like. अगर मैं बोलूं दैट हर हेयर वर एज ब्लैक एज द नाइट स्काई यहाँ पे ब्लैक है वो मतलब उसके जो बाल हैं उनको मैंने नाइट स्काई से कंपेयर किया है दोनों में कॉमन चीज क्या है ब्लैक कलर ठीक है उसके जो बाल हैं वो इतने खूबसूरत तरीके से ब्लैक है और नाइट जो है वो भी ब्लैक है तो हम यहाँ पे कलर को कम यू नो कंपेयर कर रहे हैं लेकिन कंपेयर किस को कर रहे हैं उसके बालों को और नाइट स्काई को अगर मैंने बोला दैट इट वॉज एज स्ट्रोंग एज ही इज एज स्ट्रोंग एज नेल्स मतलब क्या होता है वो जो कील हम ठोकते हैं ना वो अब जो कील होती है ना वो बड़ी स्ट्रोंग होती है उसको काफी स्ट्रेंथ उसकी बहुत ज्यादा होती है तो आपने क्या बोला कि यार ही इज एज स्ट्रोंग एज नेल्स अब मैं यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ को नेल की स्ट्रेंथ से कंपेयर कर रही हूँ देखा जाए तो मैं उसे नेल से कंपेयर कर रही हूँ लेकिन कॉमन क्या है कंपेयर क्या कर रही हूँ उसकी स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रही हूँ तो यहाँ वही हुआ कि ये एक कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे मैं दो चीज़ों को लाइक like और एज़ यूज करके कंपेयर करती हूँ बिल्कुल दो अलग अलग चीज़ें हैं एकदम अनलाइक चीज़ें हैं जिन्हें मैं कंपेयर करती हूँ जो आपस में किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है ऑब्जेक्ट ऑफ इज टू स्पार्क एन इंटरेस्टिंग कनेक्शन इन रीडर्स जैसे मैंने बोला तुम बहुत हो ठीक है या तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है। बात खत्म हो गई। ऐश्वर्या राय स्माइल और मे बी दीपिका पादुकोण स्माइल यहां मैंने क्या किया मैंने तुमको किसी और से कंपेयर किया है एंड क्या कंपेयर कर रही हूँ मैं एक स्माइल को तुम्हारी द वे यू स्माइल उसे कंपेयर कर रही हूँ ठीक है या मैं ये भी कह सकती हूँ योर लिप्स आर एजी एज यू नो द फ्लावर पेटल्स मतलब आ, फूलों की पंखुड़ी जितने सॉफ्ट हैं तुम्हारे लिप्स या इतने खूबसूरत हैं तुम्हारे लिप्स तो यहाँ मैंने क्या किया कंपेयर क्या कर रही हूँ मैं फूलों को लिप्स से लेकिन कंपेरिजन हो किस चीज का रहा है सॉफ्टनेस का कंपेयर हो रहा है ब्यूटी का ठीक है कंपेरिजन हो है ब्यूटी का तो अब यहाँ पे हम देखते हैं जैसे लिखा मैंने शी इज लाइक अ फेरी मतलब वो एक परी की तरह है शी इज लाइक अ फेरी वो एक परी की तरह है मतलब मैं उसे किससे कंपेयर कर रही हूँ एक परी से कंपेयर कर रही हूँ तो क्या वो परी हो गई नहीं मे बी वो उतनी प्रिटी है या उतनी काइंड है या उतनी हम्बल है डजेंट मीन शी वॉज अ रियल फेरी

इंटरनेट क्या है पूरी दुनिया की एक खिड़की की तरह जैसे आपने खिड़की खोली आपको जो सीखना है आप सीख सकते हो तो यहाँ कौन सा वर्ड आ रहा है इट इज लाइक अ विंडो सिमिलरली एक और एग्जाम्पल देखते हैं लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स लाइफ कैसी है एक बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स के जैसे है यू नेवर नो विच वन यू आर गोइंग टू गेट आपको पता ही नहीं होता आपको पता नहीं इस वक्त कौन सा चॉकलेट मिलने वाला है So life is like. अब आप लाइफ को एक बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स के साथ कंपेयर कर रहे हो मतलब आपको नहीं पता आपको कौन मतलब इट्स अनसर्टेन आप एक्चुअली में अनसर्टेनिटी को कंपेयर कर रहे हो तो जब भी आपने क्या देखा या तो एक वर्ड है एज या तो आपके पास वर्ड है लाइक like. ये दोनों वर्ड से आप जब कोई चीज को कंपेयर करते हो अगर आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो और आपके सेंटेंस में या तो ऐस आ रहा है या तो लाइक आ रहा है इसका मतलब वो एक सिमिली है सिमिली की स्पेलिंग गलत लिख के मत आना सिमिली इज एस आई एम आई एल ई एंड नॉट स्माइल ओके इट इज सिमिली नेक्स्ट इज कुछ बहुत ही जो इंटरेस्टिंग सिमिलीज है अब हम वो देख लेते हैं एज ब्लाइंड एज अ बैट एज ब्लाइंड बैट जो बैट होता है चमकादड़ होता है वो बोल रहा है कि वो उतना एकदम चमकादड़ की तरह अंधा, वो जैसे चमकादड़ है आप क्या बोलोगे कमोन क्या है यार तुम क्या देख के चल रहे हो सर पे आंखें लेके चल रहे हो क्या तो अब ये बोलने की जगह आपने क्या बोला ओहो यू अगेन फेल डाउन यू आर एज ब्लाइंड एज अ बैट मतलब तुम एकदम बैट के जैसे हो नेक्स्ट इज as cute as a kitten वाओ wow, ये जो बेबी है वो कितना क्यूट इट्स as cute as a kitten जो छोटा सा बिल्ली का बच्चा होता है वो कितना क्यूट होता है ना तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं यू आर as cute as a kitten अब यहाँ पे आपने कौन सा वर्ड यूज किया है as का ठीक है तो दो होते हैं as और like तो आप यहाँ पे as का यूज कर रहे हो as light as a feather मतलब जैसे मान लो कि आपने बोला आपकी सिस्टर ने बोला यार मैं मोटी हो गई हूं क्या ठीक है और वो लिटरली बहुत ही लीन है मतलब बहुत थिन है वो तो आपने क्या बोला यू नो वॉट यू आर एज लाइट एज अ फेदर मतलब तुम एक पंख के जितनी हल्की हो बेसिकली यू आर वेरी लाइट ठीक है और माई बैग इज एज लाइट एज अ फेदर ठीक है तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि ये बहुत ही हल्का है एज as ब्लाइंड as तो as as okay? as as क्या है कि जैसे आपने बोला कि, अरे यार यू आर सो बिजी यज बिजी एज अतल हमेशा जैसे बी है वो बस करती रहती है तो आपने एक काम खत्म किया दूसरा काम आपके पास ऑलरेडी है टू बी मूविंग अबाउट क्विकली डूइंग मेनी थिंग्स जो कोई एक है वो दस तरीके के काम करा है जैसे मम्मा होती है हमारे घर में हमें पढ़ाई भी करा रही होती है खाना भी बना रही होती है फ़ोन पे भी बात कर रही होती है घर भी ठीक कर रही होती है पापा से भी बात कर रही होती है इतने सारे काम वो एक साथ कर रही होती है और साथ में ऑफिस अगर है तो ऑफ़िस का भी काम कर रही होती है इज एज बिजी एज अ बी जैसे आपको कॉल किया आपकी नानी ने या किसी ममा के फ्रेंड ने उन्होंने बोला मम्मा है क्या या शी इज़ देर बट शी इज़ एज बिजी एज अ बी मतलब वो बहुत ज़्यादा क्या है व्यस्त हैं बहुत ज्यादा बिजी हैं टाइड अप हैं as cold as a fish अब as cold के लिए आप दो चीजें यूज कर सकते हो as cold as ice और as cold as fish लेकिन जब आप as cold as a fish लिखते हो फिश को देखना कभी क्या आपको वो हंसते हुए दिखती है दुखी दिखती है नहीं दिखती है अपार्ट फ्रॉम कार्टून चैनल्स। सो फिश जो होती है ना उसका फेस बहुत ही अनइमोशनल सा होता है तो अगर आपने किसी को बोला दैट यू नो वॉट ही इज आई डोंट नो मुझे उसका नेचर पसंद नहीं है ही इज एज कोल्ड एज अ फिश मतलब वो एकदम इमोशनलेस है उसके अंदर कोई इमोशन ही नहीं आ रहा है ठीक है नेक्स्ट एज शाइनी एज ए न्यू पिन अभी एक नई नई सेफ्टी पिन होती है उसको ओपन करना हो कितनी शाइन कर रही होती है इसका मतलब वेरी शाइनी यू क्यूट से दैट यू नो वर्ट जो मेड थी उसने इतना अच्छा पूछा लगाया द फ्लोर वॉज एज शाइनी एज ए न्यू पिन ठीक है एज कोल्ड एज आइस अब इसका मतलब होता है बहुत कोल्ड मतलब बहुत ही ठंडा है उमाई गॉड योर चीज दे आर एज कोल्ड एज आइस तो ये क्या हो गया मतलब बहुत ज्यादा ठंडा है एज कॉमन एज डर्ट मिट्टी मिट्टी हर जगह मिलती है राइट right? मिट्टी कॉमन है मतलब घर में थोड़े दिन ना रहो तो वहां पे भी मिट्टी आ जाती है सो so, मतलब अगर आपने बोला ना कि याद अपन मतलब मान लो एक डिस्कशन हो रहा है चलो अपन डिबेट competition के लिए या ड्रेसिंग कॉम्पिटिशन के लिए या सॉन्ग competition के लिए कुछ सॉन्ग सोचते हैं और किसी ने एक बहुत ही कॉमन सॉन्ग दिया तो आपने बोला कम on या लेट्स थिंक ऑफ सम एल्स दिस इज एज कॉमन एज डर्ट मतलब ये तो मिट्टी जितना कॉमन है मतलब वेरी कॉमन क्लियर अब ये ना लिटरली मत जाना इसमें इसका सकास्टिक मीनिंग है जैसे आपको ना किसी ने एक क्वेश्चन समझाया मैथ्स का ठीक है मम्मी ने बड़ी कोशिश करी अरे क्या है तेरे को टीचर से समझ नहीं आया मैं समझा देती हूँ मम्मा बैठी उन्होंने समझा दिया पूरा आपके पल्ले कुछ ना पड़ा

आपका कल एग्जाम है ओके फाइनल एग्जाम और अभी भी आपके फाइव चैप्टर्स बचे हुए हैं आप पैनिक कर रहे हो ओ माय गॉड मेरे अभी तक फाइव चैप्टर्स नहीं हुए कैसे करें कैसे करें मैग्नेट ब्रिंस के आप वीडियोस फटाफट फटाफट देखे जा रहे हो और आपका एक फ्रेंड है उसके सेवन एट चैप्टर्स हुए ही नहीं और जो हुए उसको उसने रिवाइज नहीं किया मस्त बैठा हुआ है कहीं कोई लाइफ में दिक्कत नहीं है तो 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 आप आप बोलोगे बोलोगे या अपनी को वो वो मेरी कोई नहीं नहीं कर सकता. मतलब cool मतलब उसको तो कुछ रहा तो है. चिल है, है. So, एकदम cool का मतलब क्या होता है वेरी काम और बहुत ही कामली कर लिया स्पेशली वेन दिस इज सरप्राइजिंग ओके स्पेशली आप इसे कहाँ यूज करते हो जैसे माय डैड मान लो किसी ने बोला अरे यार अपन बहुत लेट हो गए हैं पार्टी से वापस आने में तेरे डैड गुस्सा तो नहीं करेंगे यू विल से ओ यूल चिल माय डैड इज एज स्कूल मतलब ही इज अ चिल मैन ओके नेक्स्ट इज एज हार्ड एज नेल्स तो ये जैसे मैंने बताया था मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग मतलब अब इसके लिए आप पता है बेस्ट क्या है जैसे आपने बोला कि उसके जो आदर्श हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है यू कैन से हिज वैल्यूज आर एज स्ट्रॉन्ग एज नेल्स और एज हार्ड एज नेल्स ठीक है सो या तो आप भुट्टा खा रहे हो ओके okay? आप एक कौन खा रहे हो और आपने जैसे ही खाया आ आवाज आई क्यों अरे वो तो बहुत ही ज़्यादा कड़क था आपने बोला दिस इज एज नेल्स सो यू कैन क्रिएट योर ओन वर्जन एज हॉट एज हेल ओ माई गॉड आपने तुरंत लिया मम्मी ने सब्जी बनाई रोटी लगाया और मुंह में डाला गई जीप दो दिन के लिए क्या हुआ इट वॉज एज हॉट एज हेल अब क्या है हम लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन हेल be में आपका पकोड़ा तला जाता होगा मतलब हेल जो है ना इट्स गोइंग टू बी हर जगह आग आग गर्म होता होगा इसीलिए यहां हम बोलते हैं एज हॉट एज हेल मतलब एक्सट्रीमली हॉट

आपके एग्जाम्स खत्म लास्ट एग्जाम फिनिश और अब आपके पास दो महीनों की छुट्टी है और आपकी मम्मा ने बोला हाउ डू यू फील आपने बोला ओ आई फील एज फ्री एज अ बर्ड मतलब मैं बहुत फ्री बहुत अच्छा फील कर रही हूँ एज फ्री एज अ बर्ड मतलब यू आर वेरी हैप्पी टू एंजॉय द फ्रीडम दैट यू हैव बीन गिवन ठीक है फ्री टू गो एनी वेर आई एम एज फ्री एज अ बर्ड या सोचो एक और एग्जाम्पल मम्मी नानी के घर गई हुई है और दो दिन के लिए पूरा जो घर है वो आपका है आप जो चाहे कर सकते हो कितनी भी देर टीवी देख सकते हो कितनी भी देर गेम खेल सकते हो आपके फ्रेंड्स घर पे आ सकते हैं और आप पिजा भी ऑर्डर कर सकते हो यू आर एज इट नॉट अ गुड फीलिंग नाउ एज फ्रेश एज अ डेजी सपोज अब ये एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है एज फ्रेश एज अ डेजी मतलब डेजी इज अ फ्लॉर ओके इट मीन क्लीन एंड फ्रेश टू बी फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथम अरे यारा है रहे हैं और आप जो हो यू आर लाइक गुड अमेजिंग और इफ़ यू आर अ गाईसम एंड आपको सब देख के बोल रहे हैं वाह यू लुक एज फ्रेशी ओके स्पेशली ये लड़कियों के लिए कॉम्प्लीमेंट जाता है लड़कियों को फूलों से कंपेयर करते हैं लड़कों को नहीं करते हैं। तो क्या बोलते हैं आपको वाह यू लुक एज फ्रेश एज अ डेजी मतलब तुम कितनी फ्रेश लग रही हो तुम कितनी ज्यादा अच्छी लग रही हो नेक्स्ट इज एज जेंटल एज अ लैम्प एज जेंटल एज अ लैम्प अब जैसे एक जो भेड़ होती है वो कितनी इनोसेंट सी लगती है वो एकदम जो है स्वीट सी लगती है तो एज जेंटल मतलब उतनी ही प्यारी तो यू नो वर्ट माई मदर शी इज एज जेंटल एज अ लैम्प या माई सिस्टर शी इज एज जेंटल एज अ लैम्ब मतलब वेरी जेंटल ओके या आप बोलोगे माई ब्रदर यार पता ही नहीं चलता वो तो घर पे है समझ ही नहीं आता कि वो घर पे है ही इज एज क्वाइट एज माउस मतलब वो इतना शांत रहता है जैसे माउस है माउस की आवाज अंटे अंदर वो कोई प्रोग्रेस कर रहा है कुछ खटर पटर कर रहा है तब तक पता भी नहीं चलता घर में चूहा है और वो जब भागता भी है तब भी कोई आवाज नहीं आती तो यहाँ पे क्या बोलते रहे हो जैसे कोई बहुत ही साइलेंट है ऑफिस में भी कितने सारे ऐसे लोग होते हैं या आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बिल्कुल बात नहीं करते सो दे आर एज 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 क्वाइट अ अ अ माउस क्विक व्हाट इज मतलब आंख मारना तो उसमें टाइम लगता है क्या इट्स अ mm, एक हाफ सेकंड भी नहीं लगता सो इट्स एज क्विक एज अ अग ठीक है तो आप क्या बोलोगे यू you नो know, मम्मा ने बोला ये काम कर देगा क्या अरे आई कैन डू इट इन अ या इट कैन बी डन एज क्विक एज विंक एज अ डॉग एस सिक एज अ डॉग मतलब भयंकर बीमार लाइक यू आर रियली वेरी सिक ओके सो आई कैन नॉट कम रिहर्सल्स टू आई एम सिक एज अ डॉग वैसे ये हम अपने लिए ज्यादा यूज नहीं करते क्योंकि कौन अपने आप को डॉग से कंपेयर करना चाहेगा बट दैट्स ओके एज साइलेंट एज ग्रेव टू से नथिंग सो सपोज जो टीचर थी उसने उसको यू नो स्कोल्ड किया जब वो घर गया तो मम्मा ने पूछा क्या हुआ एंड ही वॉज एज साइलेंट एज अ ग्रेव ग्रेव मतलब कब्रिस्तान वहां कितना ज्यादा साइलेंस होता है तो ही वॉज एज साइलेंट एज ग्रेव मतलब या आप कहोगे कि जैसे ही बच्चे जो समर वेकेशन के बाद अपने नाना नानी के घर से वापस चले गए ऐसा लग रहा था उसकी पूरी चहल पहल ही चली गई तो आप इसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो ठीक है एज silk ये तो बता दिया मैंने वेरी स्मूद एज स्मूदीज बॉटम या बेबीज बम तो जो एक छोटा सा बेबी होता है उसके जो बम्स होते हैं वो कितने सॉफ्ट होते हैं इतने क्यूट होते हैं तो जब आप कंपेयर हो और बहुत ही इनफॉर्मल सा कंपैरिजन है तो आप ये भी बोल सकते हैं वाओ योर चीक्स आर एज़ क्यूट एज़ अ बेबीज बम फिर अगर तुमको मुक्का पड़ा तो मुझे मत बताना एज़ स्वीट एज़ हनी वाओ योर एज़ स्वीट एज़ हनी मतलब वेरी स्वीट एज़ टॉल एज़ अ ट्री ओ माई गॉड सपोज आप ना किसी एक दो साल चा, तीन साल तीन चार साल बाद ना अपने किसी फ्रेंड से मिल रहे हो या आपने किसी कजन से मिल रहे हो आप क्या बोलोगे ओ माई गॉड यू हैव ग्रोन यू हैव ग्रोन एज टॉल एज ए ट्री मतलब तुम कितने लंबे हो गए हो ओके एज वाइज एज एन आउल आउल जो है इट्स कंसिडर्ड टू बी वेरी वाइज तो आपने क्या बोला हाँ मेरे जो दादाजी है ना ही इज एज वाइज एज एन आउल मतलब ये वो बहुत ही ज्यादा समझदार है ठीक है अब ये एज इनोसेंट एज अम हमने कर लिया एज टॉल एज अ जिराफ अब आप एज टॉल एज अ ट्री भी बोल सकते हो और एज टॉल एज अ जिराफ भी बोल सकते हो एज टफ एज एज हार्ड एज नेल्स दोनों बोल सकते हो एज वाइट एज घोस्ट एग्जाम्पल आपने मम्मा ने बोला चलो जाके सो जाओ आपने बोला ठीक है आप गए आपने निकाला अपना फोन और आप मस्त जो है पबजी खेल रहे हो ठीक है आपको नहीं पता कि मम्मा को पता है कि आप पबजी खेल रहे हो और मम्मा ने बोला था कि मैंने तुम्हें एक बार भी पबजी खेलते हुए अब देखा तुम्हारा फोन मैं ले लूंगी और सडनली जिस यू नो बेडशीट के नीचे और जिस आपने जो आपका जो क्विल्ट था जिसके नीचे आप खेल रहे थे सडनली वो जाती है और यू आर एज वाइट एज अ घोस्ट मतलब भूत जैसे वाइट मतलब यू आर टोटली अंडर फियर आप बहुत ज्यादा डरे हुए होते हो क्योंकि अब तो आपका मोबाइल जाने ही वाला है सो एज वाइट एज घोस्ट मतलब एज कोल like really okay? so, अब आप क्या बोलोगे यार आई सॉ पर्सन ही आप बोलोगे यू नो वट ये जो पेंसिल है ये बहुत अच्छी चलती है द राइटिंग और द यू नो की जो लेड है उसकी जो लिखावट है इट्स एज ब्लैक एज अ कोल सो यू कैन फ्रेम एनी एनी आंसर सेंटेंस अब हम दूसरे देखते हैं यहां पे अभी तक हमने क्या देखे थे एज डैश एज अब हम क्या देखेंगे लाइक like कहां यूज किया जाता है अब आप सेम चीज को लाइक like करके भी यूज कर सकते जैसे आपने बोला एज स्वीट एज अ बेबी और एज स्वीट एज हनी आप इसकी जगह बोलो लाइक like हनी एज as as a फेरी लाइक अ फेरी बस यही डिफरेंस होता है जैसे आपने बोला cry like a लाइक मतलब बहुत ज्यादा रोना, कट लाइक नाइफ वो ऐसे कट करती है लाइक शार्प ईट लाइक अ बर्ड मतलब वो एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको चिड़िया के जैसा खाती है इसका मतलब छोटा छोटा खाती है बहुत ही कम खाती है सो शी ईट्स लाइक अ बर्ड मतलब वो बहुत कम खाती है ईट लाइक अ पिग और ईट लाइक अ हॉर्स अब ये एकदम ऑपोजिट है इसका मतलब क्या है भर भर के खाता है वो ठीक है तो एक बार में पंद्रह बीस रोटी तड़ाक तो आप क्या बोलोगे माई गॉड ही ईट्स लाइक अ हॉर्स और ही ईट्स लाइक अ पिग फिट लाइक अ ग्लव अब जैसे आपने कोई डेनिम पहनी और आपने क्या बोला व्हाट वॉट फिट इट फिट्स लाइक अ ग्लव मतलब

जैसे कि मेरी मम्मा दिन भर इतना थक जाती है द मोमेंट शी लाइज डाउन शी गोज आउट लाइक अ लाइट मतलब वो तुरंत सो जाती है उन्हें पांच मिनट नहीं लगता सोने में ठीक है नेक्स्ट इज लाइक क्रेजी मतलब बहुत ही ज्यादा फॉर एग्जाम्पल आई लव ऑल माई स्टूडेंट्स लाइक क्रेजी नेक्स्ट इज लाइक अ मैन

He's like a kid in a candy store. मतलब वो बच्चों की तरह खेल रहे हैं। उन्हें इतना मजा आया। उन्हें देखके आपको मजा आता है। मतलब he's like a kid in a candy store. So your dad, like my mom, she was like a kid in a candy store when she got to see all her, you know, albums and all, and she started to dance. Like a charm. मतलब very effectively. Like a charm का मतलब होता है, for example. अरे तुम्हारा पेट दुख रहा है कोई बात नहीं काम करना जो मम्मी लोग के नुस्के होते हैं कि एक ग्लास पानी लेना उसमें जीरा को उबाल लेना like मतलब वो बहुत इफेक्टिवली काम करता है या फिर तुम्हें पता है क्या अगर तुम्हें अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है तो इनरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तुम्हारे पास कितना भी होमवर्क हो एटलीस्ट फॉर फिफ्टीन मिनट्स डेली रीड करना इट वर्क्स लाइक अ चार्म मतलब बहुत इफेक्टिवली वर्क करता है लाइक हॉट केक्स मतलब क्विकली फॉर एग्जाम्पल क्रिसमस के टाइम पे आपके पास जितने भी गुडीज होते हैं केक्स होते हैं दे जस्ट सेल लाइक हॉट केक्स या मान लो कि मैं मेरे पास एक नया कलेक्शन आया है मैं मान लो टॉप्स या साड़ीज सेल करती हूँ एंड मेरी साड़ीज इतनी प्लेटी थी कि दे जस्ट सोल्ड आउट लाइक हॉट केक्स मतलब गर्म गर्म केक जैसे सबके सब जो हैं वो बहुत ही क्विकली बिक गए ओके लाइक वाटर ऑफ अ डक्स बैक अब जो एक डक होती है ना उसकी एक अमेजिंग क्वालिटी होती है वो पानी के अंदर चले जाए द मोमेंट इट कम्स आउट और वो ऐसे से अपने आप को श्रक करती है इट इज एकदम ड्राई उसके ऊपर एक पानी की बूंद भी नहीं होती सो इट्स लाइक वॉटर ऑफ अ डक्स बैक आपकी मम्मी ने खूब डांटा खूब डांटा खूब डांटा पांच मिनट बाद आप फिर वैसे के वैसे ही तो क्या हुआ यू आर लाइक अ डक बैक ओके रीड लाइक अ बुक रीड लाइक अ बुक मतलब के घर जा रहा हूँ और हम लोग को थोड़ी सी पढ़ाई करनी है बुक अच्छा, क्यों? जैसे हम बुक पढ़ते हैं ना वैसे हमारे फेस के एक्सप्रेशन पढ़ लेती हैं इसका मतलब तो आप क्या बोलोगे माई मम्मा आई के नॉट लाई टू हर शी रीड्स मी लाइक अ बुक ओके या रन अराउंड लाइक अडलेस चिकन अब आपको कल आपका एग्जाम है या मान लो कोई बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास एक जो है इवेंट है अब आपके पास कल के लिए कोई ड्रेस नहीं है अब आप इधर से उधर इधर से उधर घूम रहे हो लाइक अ हेडलेस चिकन मतलब जो मुर्गी है या मुर्गा है उसका जो अगर हेड नहीं है तो वो उसको नहीं पता कहाँ जाना है बेसिकली यू डू नॉट नो वॉट टू डू

चिड़िया की तरह गाती है उसकी आवाज इतनी मेलोडियस है एक ब्यूटीफुल सिंगिंग वॉइस है उसकी तो एक कोयल की तरह गाती है शी सिंग्स लाइक अ बर्ड ठीक है नेक्स्ट इज स्लीप लाइक अ बेबी फॉर एग्जांपल आप ये बोलोगे कि यू नो वंस ही वाज़ बैक फ्रॉम द ऑफिस ही वाज़ सो टायर्ड ही स्लेप्ट लाइक अ बेबी मतलब आराम से किसी चिंता के बिना ही जस्ट स्लेप्ट स्वेट लाइक अ पेग जिसको बहुत ज्यादा स्वेट आता है ना आप उसको क्या बोलते हैं बताओ माई गॉड ही पेग मतलब अगर उसने कोई टी शर्ट पहनी और जब वो बाद में हटी तो यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ वेयरिंग इट अगेन स्विम लाइक अ फिश मतलब वो अमेजिंगली स्विम करता है उसका जो स्विमिंग टेक्निक्स है उसका जो स्विमिंग का कैलिबर है वो बहुत अच्छा है तो ही कैन स्विम लाइक अ फिश मतलब ही इज वेरी अफिशियंट एट स्विमिंग वॉच लाइक अक मतलब वो उसकी आंखें ना बड़ी शार्प हैं वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है तो वॉच लाइक अ हॉक मतलब क्या होगा एवरी टाइम आई गो आउट विथ माय फ्रेंड्स माय मॉम गिव्स मी अ वॉच एंड द वॉच इज लाइक अ हॉक मतलब वो एकदम पेक्युलियस तरीके से एकदम जो है ऑब्जर्व क्लोजली एंड कीनली की हो क्या रहा है चल क्या रहा है ठीक है जो कि बिल्कुल अच्छा स्टेयर नहीं होता ओके नाउ व्हाई आर सिमिलिस इंपॉर्टेंट इतना पढ़ने के बाद इतने एग्जाम्पल समझने के बाद सिमलीज क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो आपकी लैंग्वेज को ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव बना देते हैं बहुत ही इंजॉयल बना देते हैं आपको मजा आता है वो पढ़ने में ठीक है आपके राइटर्स पोएट्स सॉन्ग राइटर्स सबके सब सिमलीस सब को यूज करते हैं ताकि वो जो बताना चाहते हैं उसकी डेप्थ में जा पाएं उसे एम्फिसाइज कर पाए मतलब बताना चाहते हैं अगर वो जिस चीज़ को फोकस करना चाहते हैं उस चीज़ को वो सही तरीके से फोकस कर पाए

तो जैसे कोई बहुत ही ग्रेसफुल है तो आप उसको किससे कंपेयर कर सकते हो एक स्वान से और एज बिग एज एन एलिफेंट ठीक है अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं सेंटेंसेस में सेम चीज She was as sly as a fox. मतलब वो इतनी चतुर थी ना एकदम एक, एक लोमड़ी की तरह It's as clear as day. जैसे एक डे बहुत क्लियर होता है तो आपका जो प्लान है अगर आपको समझ में आ गया तो आपने क्या बोला ओ द प्लान इज एज क्लियर एज डे टू मी मतलब मुझे हर चीज समझ में आ गई है ज हेयर इज एज ब्लैक एज नाइट उसके जो बाल हैं वो एकदम एक रात की तरह काले हैं इट्स एज ड्राई एज अ बोन आउट देयर अब एक जो हड्डी होती है ड्राई जो बोन होती है वो बहुत ड्राई होती है तो जब आपने बोला कि आपकी स्किन है या ड्राइनेस की बात कर रहे हो तो आप उसको बोन से कंपेयर करते हो शी इज एज गुड एज गोल्ड अब मान लो कि है ना कोई लड़की के बारे में डिस्कशन होता है कि वो लड़की कैसी है आप बोलोगे वो तो एकदम सोने की तरह है इसका मतलब वो बहुत अच्छी है नेक्स्ट इज दिस बैग इज

प्लीज आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन इज एज क्लियर एज अ डे एंड नॉट एज क्लियर एज अ अड आई होप सो फिंगर्स दे आर एज एज डिफरेंट नाइट एंड डे अब नाइट और डे जैसे आपने बोला अरे उन दोनों बहुत ही अलग है उनका नेचर बहुत ही अलग है तो आप क्या बोलोगे वो एकदम नाइट और डे जितने अलग अलग है ठीक है माई लव फॉर यू इज एज डीप एज मेरा प्यार तुम्हारे लिए उतना ही गहरा है जितना समुद्र ठीक है ओके Cool. Her eyes like diamonds, उसकी जो आंखें थी ना वो न्यूज सुनकर दे शोन लाइक वो डायमंडी शी स्लेप्ट लाइक अ लॉग अब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वो एकदम एक बेबी की तरह सो गया या एक लॉग की तरह जैसे एक लॉग है लॉग मतलब जो पेड़ का तनाव होता है अगर वो कहीं पढ़ा है तो पढ़ाई है तो स्लेप्ट लाइक अ लॉग की हिलाई नहीं उसके बाद द एयर प्लेन सोड लाइक एन ईगल एयर उड़ा तो इट सोड लाइक एन ईगल मतलब जैसे एक ईगल उड़ता है ना सोड का मतलब क्या होता है ऊपर जाना ठीक है He eats like a pig मतलब बहुत खाता है We are like two peas in a pod मतलब हम हमेशा साथ में रहते हैं ठीक है It moves like a snail मतलब वो ऐसे मूव करता है बहुत स्लो He slept like a baby वो एक बेबी की तरह सो गया द गर्ल वॉज स्वीट लाइक शुगर और स्वीट लाइक हनी life is like a book of chocolates and it cuts like butter he ran like lightning वो तो एकदम लाइटनिंग बिजली की तरह दौड़ पड़ा it was soft like velvet वो एकदम वेलवेट जितना सॉफ्ट था they fought like cats and dogs कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे वो कितने भाई बहनों को ये डायलॉग मिला है कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हो तुम लोग मेरे को मिला है दिस हाउस इज clean क्लीन एज whistle. जैसे विसल सिटी एकदम क्लीन होती है वैसे ही आप क्लीनलीनेस को विसल से कंपेयर करते हो वॉचिंग द शो वॉज लाइक वॉचिंग ग्रास ग्रो मतलब वो वॉचिंग इतना मतलब वो इतना स्लो था कि जैसे जैसे घास कोकते तो हुए देखते हो ना वो वैसा था ठीक है डोंट जस्ट सिट ऑन अ लॉग मतलब ऐसे मत बैठो कि यूजलेस तरीके से एक लॉग में एक बम्प है तो उसका कोई मतलब है क्या बिल्कुल नहीं तो यूजलेस तरीके से मत बैठो कुछ काम कर लो

देख तो लिया होगा हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं लेकिन वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में ठीक है सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड स्टे सेफ एंड स्टे एज हैप्पी एज स्वाति मैम टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बाय